हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाखा और हम पिछले दो लेक्चर में सीख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का SFD BMD चैप्टर। पहले लेक्चर में हमने सीखा था टाइप्स ऑफ बीम्स एंड टाइप्स ऑफ लोड, विच इज़ वेरी बेसिक। उसके बाद में हमने सीखा था कि हमने साइन कन्वेंशन कैसे लेने हैं। दो तरीके के साइन कन्वेंशन, ये जो बीम के ऊपर इफेक्ट होता है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, ये दो इफेक्ट जो होते हैं उसका हमें डायग्राम बनाना है। तो हम लेफ्ट से देखते हैं या राइट से देखते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि साइन कन्वेंशन कौन से लेने हैं। तो मैंने आपको बोला था कि यू हैव टू टेक द लोड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑलवेज फॉर न्यूमेरिकल्स। तो ये साइन कन्वेंशन हमने सम ऑफ FY जब करते हैं तो नॉर्मली हम लेते हैं अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव। जब हम बेंडिंग मोमेंट लेते हैं एट एनी पॉइंट देन वी विल टेक क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। लेकिन ये अभी हम बीम रिएक्शन या बीम के कैलकुलेशन के लिए लेते थे मैकेनिक्स में। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए जो कैलकुलेशन हमें साइन कन्वेंशन हमें लेने हैं उसमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट हमें जाना है, बीम के राइट साइड से लेकर लेफ्ट तक आना है। और उसके लिए जो साइन कन्वेंशन लेंगे वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। देखिए, यहाँ पे अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव है, यहाँ पे क्या रहेगा, डाउनवर्ड पॉजिटिव रहेगा, अपवर्ड निगेटिव फॉर SFD कैलकुलेशन। और BMD के लिए भी क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा और क्लॉकवाइज निगेटिव रहेगा, बिकॉज दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सैगिंग एंड हॉगिंग जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। अगर आपको अभी आप ये देख रहे हैं लेक्चर और आपको मालूम नहीं है तो आप पीछे का एक लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। आज हम लेंगे एक न्यूमेरिकल और उसके तो हम देखने वाले हैं सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड। अब उसके लिए ये न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे लिखा है, ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पैन 5 मीटर कैरीज अ 2 पॉइंट लोड ऑफ 5 kN एंड 7 kN एट। अब देखो टोटल बीम का स्पैन कितना है, 5 मीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करने के लिए एक फिगर यहाँ पे बना लेंगे। अब जो SFD BMD निकालने वाली फिगर है वो अलग निकालेंगे सिंप्लीफाइड। तो ये फिगर में कैलकुलेशन करते टाइम पे अगर आपने कुछ रफ वर्क भी कर दिया तो आपको SFD BMD निकालने में दिक्कत नहीं होती है। तो क्या है, हम यहाँ पे एक रफ फिगर निकाल रहे हैं। यहाँ पे है 5 मीटर का स्पैन, उन्होंने बोला है दिस इज़ द बीम, और ये मैंने 5 मीटर का एक बीम का स्पैन निकाल लिया। अब यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, 5 मीटर 2 पॉइंट लोड्स ऑफ 5 kN एंड 7 kN, 5 और 7 के दो लोड है एट 1.5 एंड 3.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट। आपके लेफ्ट साइड, बीम का लेफ्ट जो साइड है वहाँ से ये 5 है तो यहाँ पे 2.5 और यहाँ पे समथिंग वो 1.5 ऐसा आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट लेना है लेकिन अप्रोक्सीमेटली भी थोड़ा क्लियर और प्रोपोर्शन दिखना चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट लोड इज ऑफ 5 kN एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर, ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर। और दूसरा जो है 7 kN एट 3.5 मीटर, 3.5 यानी ये 2.5 है तो 3.5 समथिंग यहाँ पे आ जाएगा 7 kN। kN का k स्मॉल रहता है, ये डिस्टेंस रहेगा आपका 3.5 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट। ये ऐसा बीम है। उन्होंने क्या है, यहाँ से आपको SFD एंड BMD करना है शोइंग इम्पॉर्टेंट वैल्यूज। इम्पॉर्टेंट वैल्यूज यानी क्या रहता है कि जो जो पॉइंट पे लोड है वहाँ पे उसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट बदल जाएगा या आएगा। तो वो वहाँ पे कितना उसका शियर फोर्स का वैल्यू है, ये पॉइंट पे कितना है, ये पॉइंट पे कितना है, बेंडिंग मोमेंट का कितना है, वो हमें कैलकुलेट करके निकालना है और वो डायग्राम पे दिखाना है। अब यहाँ पे पहली बात, अगर दिया हुआ है कि बीम AB या XY समथिंग तो वही नाम देना है। अगर नहीं दिया है न्यूमेरिकल में तो आप मन से ये सपोज नाम दे दिया अभी, दिस इज़ द बीम AB। अब यहाँ पे जो जहाँ जहाँ पे लोड है, पॉइंट लोड है, वहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी उसको नाम दे रहे हैं सी और डी पॉइंट। अब ये जो डायग्राम हमने निकाली है ये हम कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू निकाल रहे हैं। अब क्या करना है आपको नेक्स्ट पेज पे, अब इसके कैलकुलेशन के नीचे ही आपने अगर एक हाथ छोटी डायग्राम और SFD BMD निकालने की कोशिश की तो कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन के बाद वहाँ पे जगह नहीं बचती है। तो इसलिए आपको नेक्स्ट पेज में क्या करना है, एक सिंप्लीफाइड डायग्राम निकालनी है
और वो डायग्राम के नीचे आपको SFD और BMD निकालना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक नेक्स्ट पेज सपोज आपका आप रेफर कर रहे हो और उसके लिए ये डायग्राम निकाली है जिसके नीचे हम SFD और BMD निकालेंगे। अब ये पहला A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। अब यहाँ पे ये 5 मीटर का स्पैन है, तो यहाँ पे 1.5 मीटर पे 5 किलो न्यूटन और यहाँ पे 7 किलो न्यूटन का लोड। और इसके डिस्टेंसेस जो है, देखो यहाँ पे एक रिएक्शन आएगा जहाँ पे सपोर्ट रहता है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर दो एंड में क्या रहते हैं, रिएक्शंस रहते हैं, और रिएक्शन इज अपोजिट टू द एक्शन। यानी जो लोड लग रहा है 7 और 5 ऊपर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो रिएक्शन ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये रिएक्शन रहेगी RA, दिस इज द रिएक्शन RB। कोई भी टाइप का बीम हो, रिएक्शन हर बार सपोर्ट के, सपोर्ट जहाँ जहाँ रहता है वहाँ वहाँ हर बार आपको रिएक्शन लेनी पड़ेगी और वो रिएक्शन कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको कितनी आती है। अब ये 7 किलो न्यूटन दिख रहा है। अब यहाँ पे ये RA रिएक्शन और यहाँ पे है RB रिएक्शन। अब मुझे इसके नीचे इसके डिस्टेंसेस भी यहाँ पे लेने हैं। ये डिस्टेंसेस कितने हैं, ये और ये डिस्टेंस, ये कितना है 1.5 मीटर, ये कितना है 3.5, इसका मतलब ये कितना हो गया 2 मीटर और ये कितना हो गया 1.5 मीटर अगेन। आप कैलकुलेट करेंगे प्लस और माइनस इसमें, तो आपको ये डिस्टेंस बायफर्केट मिलेंगे। अब इसको क्या करना है, फेड लाइन से आप नीचे प्रोजेक्ट कर दो। यहाँ पे ही आपको SFD और BMD निकालना है, ये पेज उसके लिए ही छोड़ देना है, ठीक है। तो ज़्यादा रफ वर्क भी नहीं होता है, ज़्यादा आपको रफ भी नहीं करना पड़ता है, कन्फ्यूजन कम क्रिएट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि हम जब ये सॉल्व करते हैं तो इसके मेन 3 स्टेप्स रहेंगे। देखो अब यही डिस्टेंसेस मैं यहाँ पे भी ले रही हूँ, 1.5 है, ये 5 है, ये 1.5, उसके बाद में ये और ये तीनों डिस्टेंस मैं यहाँ पे भी ले रही हूँ 2 मीटर, दिस इज अगेन 1.5 मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें SFD BMD निकालना है। तो सबसे पहले ये रिएक्शंस हमें मालूम नहीं है कितने हैं, तो हमें पहला स्टेप इसमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त 3 स्टेप मेन रहते हैं, उसमें पहला स्टेप है जिसमें हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस। हम रिएक्शंस पता तक करेंगे पहले, तो इसके लिए क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस करने के लिए इसमें दो स्टेप सब स्टेप्स लगेंगे आपको। दो क्या है, पहले इसमें हम क्या करेंगे, सम ऑफ FY इक्वल टू जीरो, सब वर्टिकल फोर्सेस का एडिशन जीरो होगा क्योंकि बीम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना है, तो जितना एक्शन रहेगा उतना ही रिएक्शन रहेगा, इसलिए सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस विल बी जीरो। अब इसके लिए हमने साइन कन्वेंशन क्या देखा था, अपवर्ड पॉजिटिव हर बार लिख के लेना है और डाउनवर्ड निगेटिव, यही फॉलो करो। अब हर बार राइट से लेफ्ट आओ, ये इसके लिए भी आए तो भी चलेगा वर्टिकल के लिए। अब क्या करेंगे, आप राइट से आओ, आर बी रिएक्शन है लेकिन वो भी एक फोर्स ही है, अब वो जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव RB, उसके बाद में निगेटिव 7 का लोड है, उसके बाद में निगेटिव 5 किलो न्यूटन का लोड है और उसके बाद में पॉजिटिव फिर से RA का रिएक्शन है। इन सब की सम क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि ये बीम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना है। अब क्या है, इसको सॉल्व करो, आपको RA प्लस RB की वैल्यू मिलेगी 12। इसको आप एज अ इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर करो, ठीक है। अब इसी में ये पहला स्टेप हो गया कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन में, इसी में सेकंड स्टेप क्या करना है, देखो सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल बेंडिंग मोमेंट्स एट पॉइंट ए, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट आपको लेना है, एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट आपको लेना है, इट शुड बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि फिर से बीम कौन से कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो ये आपको क्या लेना है, बेंडिंग मोमेंट एट ए पॉइंट विल बी जीरो। हालांकि अगर आप एडवांस स्टडी में जाते हो तो कोई भी पॉइंट पे आप बेंडिंग मोमेंट लेंगे तो ये बीम का जीरो ही आता है, लेकिन अभी आप SFD BMD में
अगर नए कैलकुलेशन सीख रहे हैं तो आप यही हिसाब से जाएंगे तो आपके कैलकुलेशन भी गलत नहीं होंगे, क्रॉस चेक भी हो जाएगा आपका। ए पॉइंट बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो हम लेंगे। अब इसके लिए साइन कन्वेंशन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा था ना, हम नॉर्मली जो लेते हैं क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, निगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज क्या लेते हैं, हम निगेटिव लेते हैं। अब यहाँ से देखो फिर से राइट साइड से लेफ्ट की तरफ आना है, हर बार यही फॉलो करो तो आपका गलत नहीं होगा। राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे, ये ए पॉइंट है, मैंने बेंडिंग मोमेंट के टाइम पे आपको बताया था, बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो हर बार हम अभी फोर्स इनटू डिस्टेंस लेंगे, ये ए पॉइंट कंसिडर करेंगे क्योंकि इससे हम बेंडिंग मोमेंट लेने वाले हैं। अब पहला फोर्स कौन सा आ रहा है राइट टू लेफ्ट में, आर बी, आर बी कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स निगेटिव, फोर्स कौन सा है आर बी इंटू आर बी का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ मोमेंट, ए से मोमेंट ले रहे तो हर फोर्स का डिस्टेंस उसके मोमेंट के पॉइंट से, पॉइंट की तरफ से लेंगे। आर बी और ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे तो इसमें का डिस्टेंस कितना है टोटल 5 मीटर, तो इसलिए ये क्या हो गया 5, ये हो गया पहला आपका। अब सेकेंड फोर्स कौन सा आ रहा है, दिस इज 7। अब 7 को देखो, ये बाकी सब फोर्सेस अभी नहीं देखने हैं, सिर्फ 7 किलो न्यूटन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। ये 7 किलो न्यूटन ए पर, यहाँ पे पॉइंट फिक्स है मोमेंट का, 7 किलो न्यूटन इसको क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज में घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव, पॉजिटिव फोर्स कितना है 7 किलो न्यूटन इंटू, ये 7 किलो न्यूटन से ए तक का डिस्टेंस कितना है 3.5 मीटर, तो हम क्या लेंगे 3.5 मीटर, ये हो गया दूसरे लोड का मोमेंट। अब तीसरा लोड कौन सा आ रहा है, हम राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, आरबी ले लिया, 7 ले लिया, अब कौन सा आ रहा है 5, 5 किलो न्यूटन पे क्या है, यहाँ पे फिर से ये ए मोमेंट, ए पॉइंट से मोमेंट ले रहे हैं, 5 को क्या कर रहा है वो क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज बीम को घुमा रहा है, इसका मतलब क्या आएगा पॉजिटिव साइन, फोर्स कितना है 5, 5 और ए में का डिस्टेंस कितना है 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। अब ये एक हम राइट से लेफ्ट की तरफ आते आते ये एक फोर्स बचा है, अब ये फोर्स कैसा है, इसका ए में का, ए का डिस्टेंस जो रहता है वो ए में से ही पास हो रहा है, तो डिस्टेंस है नहीं, जीरो है, इसलिए यहाँ पे आपने कुछ फोर्स लिया और नहीं लिया तो भी चलता है, नहीं तो वो क्या लेना पड़ेगा जीरो, क्योंकि आर ए जो फोर्स है वो ए पॉइंट से ही जा रहा है और हम डिस्टेंस भी ए पॉइंट से ही कैलकुलेट करेंगे, तो डिस्टेंस तो है नहीं इसमें, इसलिए वो क्या आ जाएगा जीरो, डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किए कोई भी फोर्स को तो वो जीरो आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे जीरो। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेशन देखो, सम ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट ऑल पॉइंट्स एट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू जीरो, ये सबके सम हो गई सब पॉइंट्स की, ये इज इक्वल टू क्या है सब जीरो, क्योंकि बिम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना है। अब इसको कैलकुलेट करो, माइनस 5 आर बी प्लस ये कितना आएगा 24.5 प्लस दिस इज 7.5 इज इक्वल टू जीरो। अब ये 5 आर बी अगर ये साइड पे लाएंगे तो इसका वैल्यूज आएंगे आर बी इक्वल टू 32/5 इज इक्वल टू कितना आएगा ये 6.4 किलो न्यूटन। देखो ये आर बी है, रिएक्शन है यानी एक फोर्स है, तो वो किस में आएगा किलो न्यूटन में, तो ये आर बी यानी रिएक्शन इसकी वैल्यू मुझे मिल गई है, कितनी मिल गई है 6.4 किलो न्यूटन, ये वैल्यू मुझे मिल गई है यहाँ पे। अब ये वैल्यू मैं क्या करूँगी, इसमें पुट करूँगी, ये फर्स्ट इक्वेशन में आर बी की वैल्यू मुझे मिल गई है, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन में अगर डाल दी तो क्या हो जाएगा, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो आर ए प्लस आर बी, आर बी 6.4 इज इक्वल टू 12, तो मुझे आर ए की वैल्यू मिल जाएगी 5.6 किलो न्यूटन, तो मुझे ये आर ए की वैल्यू मिल गई है 5.6 किलो न्यूटन, ठीक है। अब ये हो गए आपके कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे आर ए की वैल्यू लिख रही हूँ 5.6 किलो न्यूटन,
और यहाँ पे आरबी की वैल्यू लिख रही हूँ 6.4 किलो न्यूटन, ये मुझे मिल गई है। अब ये आपके पहला मेन स्टेप हो गया, जिसमें कि ये दो सब स्टेप्स रहेंगे। कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन में आपको पहले कर लेना है सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस विल बी ज़ीरो, उसके बाद में आपको लेना है सम ऑफ ऑल बेंडिंग मोमेंट्स एट पॉइंट एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट ए, यहाँ पे इट विल बी ज़ीरो। ये दोनों स्टेप करने के बाद आपको क्या मिलेगा, रिएक्शंस मिलेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के। अब इसका नेक्स्ट स्टेप मैं दिखाऊंगी SFD कैलकुलेशन, ठीक है। आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो इसका निकाल सकते हो। अब ये ए स्टेप हो गया, अभी दूसरा स्टेप। ये न्यूमेरिकल जो है वो तीन स्टेप में इजीली सॉल्व होता है, ठीक है। तो अभी रिएक्शन तो कैलकुलेट हो गए, अभी हम करेंगे शियर फोर्स के कैलकुलेशन। ये दोनों चीज़ें अभी समझ लो, रिएक्शन के बाद की शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन। अब हम ये बी स्टेप करने वाले हैं, उसमें हम करेंगे शियर फोर्स डायग्राम कैलकुलेशंस, ठीक है। अब उसके उसमें हमें एक तो तीन चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि हर बार हमें सेक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन को हमें लेफ्ट से राइट तक लाना है, सेक्शन को हमें कहाँ, सॉरी, राइट से लेफ्ट तक लाना है, राइट टू लेफ्ट हमें लाना है, ठीक है। सेक्शंस लेंगे और कहाँ से आएंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे, और उसके लिए हम साइन कन्वेंशन कौन से यूज़ करने वाले हैं, डाउनवर्ड पॉजिटिव अपवर्ड निगेटिव। ये ऐसा क्यों है, उसके लिए आप इसका प्रीवियस लेक्चर आप रेफर कर सकते हो, जिसमें मैंने साइन कन्वेंशन बताए थे। तो डाउनवर्ड पॉजिटिव रहेगा और अपवर्ड अभी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, शियर फोर्स का इफेक्ट जो रहता है बीम के उसके ऊपर ये साइन कन्वेंशन दिए हुए हैं, ठीक है। और हम जा रहे हैं राइट टू लेफ्ट, इसके लिए ही ये साइन कन्वेंशन है, ये ध्यान में रखो, नहीं तो आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट और साइन कन्वेंशन ये चूज करेंगे तो इट विल बी रॉन्ग। अब क्या करेंगे आप SFD कैलकुलेशन में, मैं सेक्शन दिखाने के लिए आपको रेड एक चौक यूज करती हूँ, आपको कैसे कैसे जाना है। देखो मैं पहले शियर फोर्स कैलकुलेट कर रही हूँ बी पॉइंट से, राइट से लेफ्ट आना है तो पहला पॉइंट बी है, लेकिन बी के कौन से साइड में पहले मैं रहूँगी, राइट साइड में देखूँगी। सेक्शन मैं कहाँ ड्रॉ करी हूँ, बी के राइट साइड में। तो देखो यहाँ पे ये सेक्शन है पहला, ठीक है, एक्स एक्स, ये सेक्शन हम मूव करने वाले हैं। अब क्या हो गया, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन के देखना भी राइट साइड में है, राइट साइड में कोई फोर्सेस है यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पे ये क्या आएगा, ज़ीरो। उसके बाद में मैं सेक्शन शिफ्ट कर रही हूँ बी के लेफ्ट में, ये जो सेक्शन है ये मैं अभी शिफ्ट कर रही हूँ यहाँ पे बी के लेफ्ट में, ये एक्स और एक्स सपोज। अब क्या हो गया है, ये लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे एक फोर्स है ये पॉइंट में, देखो ये पॉइंट में एक फोर्स है, और वो कौन सा है, अपवर्ड पोजीशन में कौन सा है, रिएक्शन 6.4 किलो न्यूटन। अब यहाँ से अपवर्ड के लिए आपको क्या करना है, अपवर्ड के लिए क्या है आपका, नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव फोर्स है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 6.4 किलो न्यूटन, यूनिट के साथ लिखो। उसके बाद में अब मैं ये सेक्शन, उसके अलावा कुछ है क्या, हर बार हम ये राइट साइड में देखने वाले कोई फोर्स बचे है क्या, अब राइट साइड में ये एक ही फोर्स था। अब क्या करने वाले हैं, ये सेक्शन लाइन हम मूव करने वाले हैं डी पॉइंट की तरफ, लेकिन डी के थोड़ा सा राइट में, ठीक है। अब ये डी के राइट में, यानी ये डी पॉइंट और उसका राइट साइड में हम शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये डी के राइट साइड में देखना भी राइट साइड में ही है, अब राइट साइड से देखते आ गए तो सिर्फ यही फोर्स है, फिर से वो भी अपवर्ड जा रहा है, तो इसका मतलब फिर से क्या हो जाएगा, -6.4 किलो न्यूटन उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब ये सेक्शन लाइन में शिफ्ट कर रही हूँ डी के लेफ्ट में, शियर फोर्स एट डी लेफ्ट साइड, अब ये शियर फोर्स एट डी है और उसको लेफ्ट में मैंने क्या कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया सेक्शन लाइन को। अब मैं जब यहाँ से राइट साइड में देखती हूँ तो मुझे ये एक फोर्स दिखता है आर बी, और राइट से लेफ्ट आते आते देखो ऐसा देखने से एक भी फोर्स छूटता नहीं है, कोई भी पॉइंट लोड छूटता नहीं है, ठीक है। तो आप राइट से आएंगे तो पहला कौन सा दिख रहा है, -6.4, तो यहाँ पे ये अपवर्ड जा रहा है इसलिए -6.4। उसके बाद में हम ये सेक्शन देख रहे हैं, हम ये साइड में आएंगे तो कौन सा दिख रहा है, 7 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो डाउनवर्ड क्या है, पॉजिटिव, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिया, -6.4 प्लस 7,
ये आ गया आपका 0.6 किलो न्यूटन। ठीक है, अब मैं सेक्शन लाइन, अब देखो डी के लेफ्ट में थी, अब डी के कहाँ, सॉरी डी का लेफ्ट हो गया, अब यहाँ से राइट से लेफ्ट में आ रही हो, अब ये कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, सी के राइट में। ठीक है, तो इसका मतलब है शियर फोर्स एट सी राइट, राइट में शिफ्ट कर रही हूँ। अब देखना है यहाँ से फिर से आना है, कौन से रहे, -6.4 +7, और कोई फोर्स यहाँ पे है नहीं ये इतने स्पैन में, तो इसलिए फिर से ये आएगा -6.4 +7 =0.6 किलो न्यूटन। अब ये सेक्शन लाइन में शिफ्ट करी हूँ सी के लेफ्ट में, ये सी के राइट में थी, अब यहाँ पे क्या करी हूँ उसको लेफ्ट में शिफ्ट करी हूँ। लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद यहाँ से फिर से देखना है, ये 6.4 अपवर्ड, 7 डाउनवर्ड और 5 डाउनवर्ड, तो उसके हिसाब से साइन कन्वेंशन, 6.4 अपवर्ड है माइनस आएगा, डाउनवर्ड में 7 किलो न्यूटन प्लस डाउनवर्ड में 5 किलो न्यूटन इज इक्वल टू, ये कितना आ रहा है अभी 5.6 किलो न्यूटन। ये क्या हो रहा है अभी पॉजिटिव में आया, 7 और 5 12, तो मैक्सिमम का साइन यहाँ पे रखता है 5.6 किलो न्यूटन। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ शियर फोर्स एट सी की जगह, अब मैं जा रही हूँ ए के राइट साइड में, ये ए के राइट साइड में। ठीक है, अब राइट साइड में भी गई तो फिर से कौन से रह गए यहाँ पे, यहाँ पे 6.4 अपवर्ड यानी -6.4 प्लस ये 7 डाउनवर्ड प्लस 5 डाउनवर्ड यानी +7 +5 और कोई है नहीं है यानी इतने ही फोर्स है, तो वो क्या हो जाएगा 5.6 किलो न्यूटन। अब मेरा एक बच्चा है, यहाँ पे ए से लेफ्ट में भी जाना है, जैसे यहाँ पे हम बी के राइट में भी लिया था एक जीरो के लिए, वैसे ही ए के लेफ्ट में भी आपको जाना है। अब मैं ये यहाँ पे करती हूँ, देखो शियर फोर्स एट ए लेफ्ट, ए लेफ्ट में फिर से वैसे जाएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ आओ, एक भी फोर्स नहीं छूटेगा, क्या हो गया ये 6.4 अपवर्ड है, तो ये आ गया -6.4 प्लस डाउनवर्ड 7 है प्लस डाउनवर्ड 5 किलो न्यूटन है, और देखो यहाँ से 5.6 का क्या है फिर से अपवर्ड है, अपवर्ड है तो क्या हो जाएगा वो -5.6 इक्वल टू, अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे, ये इतना कैलकुलेशन कितना आया था +5.6 +5.6 और -5.6 ये क्या आ जाएगा जीरो। इसका मतलब है सिंपली सपोर्टेड बीम में, याद रखने की जरूरत नहीं है, जब आप इसके ऐसे न्यूमेरिकल्स की बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप पता चलता है कि ये जो पहला जो है शियर फोर्स एट बी राइट और आखिरी जो है ए लेफ्ट, ये क्या आना है जीरो ही आना है सिंपली सपोर्टेड बीम में। अलग अलग बीम में अलग अलग तरीके से आएंगे तो वो कैसे कैसे आते हैं आप देख सकते हो। उसके बाद में रिएक्शन भी 5.6 और 6.4 इसका एडिशन करेंगे को कितना आएगा 12, ये कितना है 7 और 5 12, ये आते हैं तो ही हमने रिएक्शन के जो कैलकुलेशन किए हैं वो करेक्ट है, हम यहीं पर क्रॉस चेक कर सकते हैं उसको, किसी यानी एग्जामिनर को, एग्जामिनर ने भी नहीं बताना है, आपने अगर सॉल्व करते करते आप देखते हैं कि मेरा ये जीरो आ गया और ये जीरो आ गया, इसका मतलब मैं करेक्ट चल रहा हूँ। ठीक है, ये जीरो ये यहाँ पे और इसका इसका टोटल, ये ऊपर के जितना फोर्स है लोड का सम है उतना आ रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन के कैलकुलेशन नियर अबाउट करेक्ट हो गए हैं। अब क्या करेंगे हम, बी एम डी के कैलकुलेशन करने से पहले एस एफ डी का हम डायग्राम निकाल लेंगे। ये जो है शियर फोर्स का डायग्राम, पहले हमने लिया कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन पहला स्टेप, जिसमें हमने ये दो वैल्यूज निकाले और ये यहाँ पे लिख दिए। सेकंड स्टेप हमने लिया शियर फोर्स कैलकुलेशन, उसमें ये कैलकुलेशन के लिए हमने सेक्शन ड्रॉ करने हैं राइट और लेफ्ट साइड में, आना है राइट साइड से लेफ्ट की तरफ हर बार, और साइन कन्वेंशन यूज करने हैं अप डाउनवर्ड पॉजिटिव एंड अपवर्ड नेगेटिव। इस हिसाब से हमने हर पॉइंट के क्या कर लिए, हमने शियर फोर्स कितना कितना मैग्नीट्यूड का लगता है वो हमने निकाल लिया। अब ये शियर फोर्स को हमें क्या करना है, एस एफ डी ड्रॉ करनी है, शियर फोर्स की डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो क्या करना है, देखो हर एक इसके लास्ट आप अगर देखते हैं शियर फोर्स, तो इसमें 0 -6.4 -6.4 0.6 0.6 5.6 5.6 एंड 0, यानी निगेटिव साइड में मैक्सिमम आएगा आपका 6.4 और पॉजिटिव साइड में आ रहा है आपका 5.6। इसका मतलब दोनों तरफ है निगेटिव और पॉजिटिव शियर फोर्स भी आ रहे हैं। तो आपको ग्राफ में क्या करना है,
ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी कि जिसके दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी जगह रहनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव जो रहता है वो हम ऊपर की तरफ पॉइंट्स डालते हैं और निगेटिव पॉइंट्स जो रहते हैं वो हम नीचे की तरफ डालते हैं ये लाइन के, और ये लाइन के यहाँ पे रहता है जीरो पॉइंट, शियर फोर्स डायग्राम का जीरो पॉइंट। अब यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, ए, यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, बी, यहाँ पे कौन सा है, सी, और यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, डी। अब क्या करना है आपको, जैसे जैसे यहाँ पे बताया है वैसे वैसे आपको पॉइंट्स लेने हैं। क्या लिया है यहाँ पे, शियर फोर्स एट बी राइट इक्वल टू जीरो, यानी स्टार्टिंग हो रहा है जीरो से, तो यहाँ पे ये जीरो आ गया, ठीक है। उसके बाद में शियर फोर्स एट बी लेफ्ट इज इक्वल टू माइनस 6.4। अब बी लेफ्ट के लिए माइनस 6.4 आप अपने हिसाब से अप्रोक्सीमेटली क्या करना है, 2, 4, 6 ऐसे डिस्टेंस इसके ऊपर मार्क कर दो, या अंदाजा लगाना है तो अप्रोक्सीमेटली उसको प्रोपोर्शन में दिखना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे कितना है, माइनस 6.4। अब ये माइनस साइड में है, इसका मतलब ये कहाँ आएगा, 2, 4, 6, 6.4 है, यानी यहाँ पे कहीं पे तो भी, तो ये डिस्टेंस आएगा माइनस, माइनस नहीं लिखा तो भी चलेगा, निगेटिव साइड नीचे है, 6.4 किलो न्यूटन, ये आपका पॉइंट आ गया। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मैं ये यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ये 6.4। अब यहाँ पे क्या हो गया, बी पॉइंट हो गए ये दोनों भी। अब यहाँ पे है डी का राइट, एस एफ डी का राइट में क्या है, फिर से 6.4। अब डी पॉइंट है तो यहाँ पे डी पॉइंट के नीचे ही लेना है, कौन सी साइड में है, निगेटिव साइड में, निगेटिव में कितना है, 6.4, यानी ये 6.4 और ये 6.4 एक लाइन में दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 6.4 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये आपका आ गया डी का राइट। अब डी का लेफ्ट कितना है, 0.6, लेकिन ये क्या है, पॉजिटिव की तरफ, डी का क्या है, 0.6, लेकिन ये पॉजिटिव की तरफ है, तो 0.6 यानी ये 2 है, तो 0.6 समथिंग यहां पे आ जाएगा नियर टू दिस जीरो लाइन, तो ये है 0.6 किलो न्यूटन। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 0.6 के बाद फिर से शियर फोर्स एट सी राइट इक्वल टू 0.6, यानी फिर से पॉजिटिव, लेकिन ये कौन से पॉइंट पे है, सी के पॉइंट पे है, सी पे पॉइंट पे 0.6, तो इसलिए यहाँ पे सी पे पॉजिटिव में 0.6 है, पॉजिटिव में है तो इसलिए ये ऊपर आएगा, और 0.6 है तो ये लाइन में आना चाहिए, 0.6 किलो न्यूटन, ये एक लाइन में रहेगा, बराबर है, 0.6 है, वैल्यू सेम है। अब नेक्स्ट क्या है, मेरा शियर फोर्स एट सी लेफ्ट कितना है, 5.6, लेकिन ये किस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ, तो 5.6 पॉजिटिव सी लेफ्ट, सी है यानी इसका मतलब यही पॉइंट पे आएगा, और कितना जाएगा ये, 5, 2, 2, 4, 2, 6 है, तो 5.6 यानी समथिंग यहाँ पे आ जाएगा, वो ये आएगा 5.6 किलो न्यूटन, ये एक मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, फिर से शियर फोर्स एट ए राइट अगेन 5.6, लेकिन 5.6 है कौन सा, ए पॉइंट पे, तो हम ये ए पॉइंट पे आएंगे, ए पॉइंट पे कितना है ये, 5.6 ही है, यानी ये लाइन में आ जाएगा वो, 5.6 किलो न्यूटन, और ये हो गया यहाँ तक का शियर फोर्स, यहाँ तक ये कांस्टेंट रहेगा ये शियर फोर्स 5.6 टू 5.6, यहाँ पे कुछ भी लोड नहीं है तो शियर फोर्स भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या हो रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट है शियर फोर्स एट ए लेफ्ट इक्वल टू जीरो, शियर फोर्स एट ए लेफ्ट इक्वल टू यहाँ पे रहेगा जीरो, और मैं ये डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ। सो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम, ये जो है क्या रहेगी, ये शियर फोर्स डायग्राम रहेगी। अब ये शियर फोर्स जहां पे ये जीरो लाइन के नीचे है, ये रहेगा निगेटिव शियर फोर्स, ये क्या रहेगा, निगेटिव शियर फोर्स, और ये ऊपर की तरफ जो दिख रहा है ये क्या रहेगा, पॉजिटिव शियर फोर्स, यानी यहां से यहां तक बीम का पॉजिटिव शियर फोर्स एक्ट होगा और यहां से यहां तक निगेटिव शियर फोर्स रहेगा। सो दिस इज द शियर फोर्स डायग्राम फॉर दिस न्यूमेरिकल। अब ये जो है ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप, न्यूमेरिकल में मैंने 3 स्टेप बोले आपको सॉल्व करने के लिए। पहले में हमने सीखा है कि कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शन,
सेकंड में हमने लिया है कि शेयर फोर्स के कैलकुलेशन। अब हम थर्ड स्टेप सीखेंगे जो रहेगा अभी बीएमडी कैलकुलेशंस। अब बीएमडी कैलकुलेशन में दिस इज थर्ड स्टेप, बीएमडी कैलकुलेशंस। अब ये बीएमडी कैलकुलेशन में क्या करना है, सेक्शन नहीं रहता है हमें, टू द पॉइंट, जितने जितने पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हो रहा है वो पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट लेना है, यानी हर एक पॉइंट पे हमें क्या लेना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन वो लेने के लिए भी हम कहाँ से जा रहे हैं, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट हम जा रहे हैं। और थर्ड पॉइंट है कि साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में हमें क्या लेना है कि जैसे हमने पहले साइन कन्वेंशन की वीडियो में बताया था कि सैगिंग जो रहेगा उसके लिए पॉजिटिव रहेगा, लेकिन उसके लिए उसका डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट के लिए क्या है, क्लॉकवाइज जो, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज जो है वो मोमेंट के लिए आपका सैगिंग रहता है, इसलिए राइट टू लेफ्ट के पोजीशन में आपको बेंडिंग मोमेंट लेते टाइम पे अगर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो पॉजिटिव लेना है, और अगर क्लॉकवाइज मोमेंट है तो आपको निगेटिव लेना है बिकॉज इट शोज द हॉगिंग। ठीक है, तो ये हमारे साइन कन्वेंशन, ये तीन पॉइंट लेके हम क्या करने वाले हैं, बीएमडी कैलकुलेशंस, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये फिगर में कौन कौन से पॉइंट है, देखो राइट टू लेफ्ट जाएंगे यहाँ पे बी डी सी और ए, हर एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ लोड अप्लाई हो रहा है वहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट लेंगे क्योंकि वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का इफेक्ट रहता है। जैसा शेयर फोर्स का मोमेंट ये ए सी डी और बी पॉइंट पे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे शेयर फोर्स बढ़ गया, यहाँ पे थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे 0.6 पे आ गया, यहाँ पे वो निगेटिव में चला गया, यहाँ पे 6.4 और फिर 0 पे, वैसे ही ये पॉइंट पे हर बार बेंडिंग मोमेंट भी चेंज होगा। तो हम कैसे लेंगे, बेंडिंग मोमेंट के लिए एक फॉर्मूला भी आपको रखना याद रखना पड़ता है, दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट फोर्स फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू आर टेकिंग द बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, अब देखो क्या करना है, तो पहला पॉइंट में राइट से लेफ्ट जा रही हूँ तो पहला बेंडिंग मोमेंट कहाँ से लेना है, बी से। तो बेंडिंग मोमेंट एट बी इक्वल टू, अब ये बी पॉइंट है, हम राइट साइड में देखेंगे, राइट साइड में कहीं पे भी फोर्स नहीं है तो इसलिए कुछ डिस्टेंस भी बी से नहीं है तो इसलिए बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट हम जा रहे हैं बेंडिंग मोमेंट एट डी, हम राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो ये कौन सा है, बेंडिंग मोमेंट एट डी। देखो अभी डी पॉइंट पे क्या करना है कि ये जो फोर्स है डी पॉइंट के राइट साइड में, देखो ये फोर्स कितना है, रिएक्शन 6.4 ये फोर्स है इनटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कौन सा, इस फोर्स का डिस्टेंस जहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, हम बेंडिंग मोमेंट कहाँ से ले रहे हैं, डी पॉइंट से, तो ये बी का डिस्टेंस फ्रॉम डी पॉइंट ये कितना है, 1.5 मीटर, और इसीलिए हमने इसको सेपरेट लिख के लिया था क्योंकि ये टाइम पे कैलकुलेशन में हमें गड़बड़ न हुई बोल के। तो अब ये फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 1.5। अब इसका पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा, देखो मैंने बोला था इफेक्ट कौन सा हो रहा है वो देखो, अब ये फोर्स कैसा जा रहा है, ये यहाँ पे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्या बोला है, पॉजिटिव। अब इसका सैगिंग का कैसे देखेंगे, देखो ये बेंडिंग, ये यहाँ पे इतना बीम है, अब ये बीम यहाँ पे पॉइंट पकड़ा और यहाँ पे फोर्स ऐसा हो रहा है तो ये बीम को कैसे ट्विस्ट करेगा, लाइक दिस, तो ये स्माइली आ गया, तो ये कौन सी पोजीशन आ गई आपकी, सैगिंग। ठीक है, तो इसके लिए ये फोर्स इनटू डिस्टेंस इतना, ये क्या हो जाएगा, सैगिंग है बोल के यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे हम लेंगे पॉजिटिव इन ब्रैकेट, फोर्स कितना है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स है आपका रिएक्शन है 6.4 इनटू डिस्टेंस कितना है, 1.5। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 9.6 किलो न्यूटन मीटर। देखो 9.6 फोर्स है, फोर्स का यूनिट है किलो न्यूटन, और ये कहाँ पे है, मीटर में, तो यूनिट के साथ लिखना है, ऐसे ही फिगर में भी आपको ड्रॉ करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका, डी पॉइंट से राइट के लेफ्ट की तरफ आओ, यहाँ पे बी डी से आ गया, अभी कौन सा पॉइंट है, सी पॉइंट। तो अब सी पॉइंट पे क्या करेंगे, यहाँ से सी पॉइंट से बेंडिंग मोमेंट लेंगे, तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू। अब देखो सी पॉइंट पे मैंने पकड़ा है यहाँ पे, अब फिर से राइट की लेफ्ट की तरफ जितने जितने फोर्स आते हैं वैसे लेने पड़ेंगे, एक भी फोर्स छूटना नहीं चाहिए नहीं तो कैलकुलेशन गलत हो सकते हैं। अब पहला फोर्स आ रहा है मेरा बी,
तो बी को क्या कर रही हूँ मैं, ये फोर्स है 6.4 और इसको कैसा मोमेंट दे रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बीम इसकी वजह से कैसा जाएगा, फिर से ऐसा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फिर से सैगिंग, कौन सा बी फोर्स के लिए, बी पॉइंट पे ये फिर से सैगिंग हो रहा है। अब इसलिए ये क्या आएगा, ये फोर्स के लिए ये आएगा पॉजिटिव, तो क्या हो गया पॉजिटिव, फोर्स कितना है 6.4 ही लिया है हमने, लेकिन अब क्या चेंज होगा, देखो हम मूवमेंट ले रहे हैं सी पॉइंट से, तो इसलिए अभी ये 6.4 से सी का डिस्टेंस चेंज होगा, इसका मतलब अब डिस्टेंस कितना हो गया है, ये इतना, अब डिस्टेंस कितना हो गया है, ये इतना डिस्टेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स इनटू द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम वेयर वी आर टेकिंग द मोमेंट। अब ये डिस्टेंस कितना है, 2.5, इट मीन्स 3.5 meter, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इतना ही नहीं होता है, ये सी पॉइंट के लिए ये लोड, ये फोर्स का खत्म हो गया, लेकिन इससे हम राइट के लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो ये एक फोर्स है। अब ये फोर्स में क्या हो रहा है, ये फोर्स ऊपर से अप्लाई हो रहा है 7 kN, ठीक है। अब 7 kN फोर्स है इंटू डिस्टेंस फ्रॉम सी, अब ये डिस्टेंस फ्रॉम सी कितना है, दिस वन, ये 7 kN का डिस्टेंस कितना है, ये है, तो ये कितना है 2। अब इसका इफेक्ट पॉजिटिव निगेटिव कैसे लेना है, अब देखो ये बाकी के सब छोड़ दो, सिर्फ ये फोर्स और इसका इस ये पॉइंट के ऊपर का उसका मोमेंट, इतना ध्यान में रखना है। अब ये फोर्स मैं अप्लाई करी हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट है सी का, अप्लाई करने के बाद ये जो बीम है, ये बीम कैसे हो जाएगा, दिस टाइप हॉगिंग, यानी ये इसका पोजिशन कैसे हो जाएगा, ये ऐसा, क्योंकि 7 का फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है और मैंने यहाँ पे वो पॉइंट मोमेंट का लिया हुआ है, तो सी पॉइंट पे क्या हो रहा है, मेरा हॉगिंग हो रहा है। अगर ये भी नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे मूवमेंट कौन सा है, क्लॉकवाइज, कौन सा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज के लिए आपको क्या लेना है, नेगेटिव, तो इसका मतलब यहाँ पे ये साइन नेगेटिव आएगा, नेगेटिव के बाद फोर्स कितना लिया है हमने, 7, इंटू डिस्टेंस कितना है हमारा 2, बराबर। अब यहाँ पे इसको अगर कैलकुलेट करेंगे हम, तो इसका जो आता है 8.4 kN, कैलकुलेशन के बाद आएगा पॉजिटिव में 8.4 kN। देखो बेंडिंग मोमेंट निगेटिव अभी आ सकता है, लेकिन ये हम सिंपली सपोर्टेड बीम का देख रहे हैं, तो इसका एक जो SFD BMD बनता है वो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में, इसका कंक्लूजन जो रहता है वो। अब BM बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट, अब C पॉइंट के बाद कहाँ पे जाना है आपको, A पे, C पॉइंट के बाद A पे। अब देखो फिर से ये फोर्स यहाँ से राइट से लेफ्ट की तरफ आ जाए, अगर B से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, पहला फोर्स है 6.4 इंटू, अब डिस्टेंस कितना लगेगा A से ये पूरा बीम, यानी कितना हो गया ये 5 meter का, ये अब ये इफेक्ट कौन सा है, सैगिंग, क्योंकि ये फोर्स ये बीम को ऐसा ऐसा रोटेट कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव, 6.4 इंटू टोटल बीम का स्पैन है उसका लेंथ, हम ए से मूवमेंट ले रहे हैं, इसलिए ये ए से मूवमेंट ले रहे हैं। अब सेकंड इफेक्ट जो होगा 7 kN का, वो क्या कर रहा है, हॉगिंग कर रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, तो 7 kN और उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डी से ए तक, डी से ए तक यानी 2 + 1.5 यानी रहेगा 3.5। अब इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, क्योंकि सॉरी उसका इफेक्ट क्या हो रहा है, ये हॉगिंग है तो निगेटिव है, इसका मतलब निगेटिव, उसका फोर्स है 7 इंटू उसका डिस्टेंस कितना रहेगा 3.5। अब नेक्स्ट जो इफेक्ट है वो 5, ये लोड भी है इस पे अपना, अब 5 यानी फिर से यही इफेक्ट जो 7 का होगा वैसा ही हॉगिंग का इफेक्ट, इसलिए यहाँ पे आएगा माइनस इंटू फोर्स कितना है 5 से ए तक का डिस्टेंस कितना है 1.5, और अगर आप इसका टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो दिस विल बी 0, ये 0 आता है, आप कैलकुलेट करके देख लो। अब इसमें जैसे मैंने बताया था कि SFD और BMD में ए पॉइंट का स्टार्टिंग हम बी से स्टार्ट किए थे, बी के राइट का सेक्शन और ए के लेफ्ट का सेक्शन अगर लेते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो वैसे ही सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आप बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करते हो तो वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एट बोथ एंड पॉइंट्स, ये बी का एंड पॉइंट और ये ए का एंड पॉइंट कितना आना है आपका, 0 आना है, और ये सिंपली सपोर्टेड बीम में ही होता है। आप ये कैलकुलेट भी करते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आनी है, 0 आनी है।
अब ये हो गए आपके बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन। अब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको क्या करनी है, निकालनी है, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है। जैसे हमने एसएफबी में किया था वैसे ही करना है। पॉजिटिव नेगेटिव आप देख लो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जीरो है। इसका मतलब ये डायग्राम के लिए ये जैसे यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव था तो दोनों तरफ है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट के लिए सब वैल्यूज पॉजिटिव है तो हमें नीचे जगह नहीं लगेगी। अभी पॉजिटिव है तो सब कहाँ आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। अब ये टू द पॉइंट है तो इसलिए क्या करना है, इसको बेंडिंग मोमेंट एट बी, ये बी का पॉइंट है, ये जीरो, ठीक है। उसके बाद में बेंडिंग मोमेंट एट डी, डी कितना है 9.6, अंदाजा 9.6 अगर मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है 9.6 किलो न्यूटन मीटर, ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकाल रही हूँ मैं अभी, ये यहाँ पे प्लस कर दिया। और इसको क्या करना है, अभी ऐसे ज्वाइन करना है विथ अ स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये बेंडिंग मोमेंट ये ऐसे ही करेगा, स्ट्रेट लाइन में उसको बेंड करेगा। अगर इफेक्ट यहाँ पे ऐसा बेंडिंग है तो ये स्ट्रेट लाइन में बेंड करेगा, अगर पॉइंट लोड रहता है तो, यूडीएल वगैरह रहता है तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं वो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल और लेक्चर में देखने वाले हैं। तो पॉइंट लोड के लिए क्या है, ये इंक्लाइंड लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी, और जीरो और 9.6 हम ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सी पॉइंट पे कितना है बेंडिंग मोमेंट, 8.4 अप्रोक्सीमेटली, इससे थोड़ा सा नीचे दिखाना है, 8.4 किलो न्यूटन मीटर। और इसको भी आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा है, जीरो, लास्ट वन, बेंडिंग मोमेंट एट ए इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे आपने क्या लिया, जीरो। ये भी आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। अब यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है, यहाँ पे ये जीरो है, और ये आपकी हो गई बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम। ये बेंडिंग मोमेंट की डायग्राम टोटली पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ये पूरे न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट आ रहा है पूरे न्यूमेरिकल के लिए, जैसे शियर फोर्स पॉजिटिव और निगेटिव आ रहे थे, लेकिन बेंडिंग मोमेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो ये आपका पूरा न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व हो गया, जिसमें हमने तीन स्टेप देखे। पहले इसमें हमने कैलकुलेट किए रिएक्शंस, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हमने किया शियर फोर्स के कैलकुलेशन और शियर फोर्स के डायग्राम, और थर्ड स्टेप में हमने देखा बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन और बेंडिंग मोमेंट के डायग्राम। अब ये न्यूमेरिकल के की पॉइंट्स देखो क्या क्या है, और ये सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड इसके लिए ही अप्लाई होंगे। पूरे न्यूमेरिकल का हम रिव्यू जो बोलते हैं वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, कि आपको ये आपको कैसे क्रॉस चेक करना है या आपके स्टेप्स कैसे कैसे जाएंगे। तो पहला स्टेप हमने देखा था कि कैलकुलेशन ऑफ रिएक्शंस। तो इसमें हमने क्या देखा था, हम देखेंगे सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। अब इसके लिए आपने अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड निगेटिव, ये साइन लिया था। ये इसमें दो स्टेप्स रहता है, और दूसरे स्टेप ने हमने क्या किया था कि हमने सम ऑफ ऑल बेंडिंग मोमेंट्स एट एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट, कोई भी पॉइंट लो लेकिन क्या करना है, जनरली एक्सट्रीम लेफ्ट पॉइंट से लिया तो वो क्या आना चाहिए, जीरो। क्यों, क्योंकि हम राइट से लेफ्ट जाते हैं हर बार हम ये पूरे न्यूमेरिकल के लिए या बेंडिंग मोमेंट एसएफडी बीएमडी के लिए हम हर बार राइट से लेफ्ट जाएंगे और साइन कन्वेंशन वही यूज़ करेंगे। इसके लिए हमने साइन कन्वेंशन यूज़ किए थे, क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव किया था और एंटी क्लॉकवाइज के लिए निगेटिव किया था, ठीक है। अब ये रिएक्शन का आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे, कि जितना टोटल लोड अप्लाई होता है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रिएक्शंस। ये ध्यान में रखो, एक्शंस इज इक्वल टू रिएक्शन, वो बीम के ऊपर जितना लोड अप्लाई हो रहा है उतना ही टोटल आएगा, कितना आपने रिएक्शंस का टोटल किया। तो आप रिएक्शन यहां से कैलकुलेट करेंगे तो रिएक्शन बराबर आए कि नहीं, वैल्यूज वो कैसे क्रॉस चेक करेंगे, वो रिएक्शंस का टोटल किया तो जितना लोड अप्लाई हो रहा है उतना ही टोटल आएगा रिएक्शन का भी। अब सेकंड चीज जो है, हमने सेकंड स्टेप जो लिया था
वो हमने लिया था SFD कैलकुलेशंस। SFD कैलकुलेशंस में हमने लिए थे, SFD कैलकुलेशन में हमें लेना पड़ता है सेक्शन लेफ्ट और राइट साइड में, बराबर है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में सेक्शन लेना पड़ता है। उसके बाद में हमें SFD कैलकुलेशन के लिए हमें सब तरफ, ये पूरे न्यूमेरिकल के लिए ही हम जाने वाले हैं, राइट टू लेफ्ट हर बार वही करना है, हम जाने वाले हैं राइट टू लेफ्ट, ऐसे देखेंगे, एक भी फोर्स मिस नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में उसके लिए जो हमने साइन कन्वेंशन यूज़ किए थे वो हम डाउनवर्ड साइड के लिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं और अपवर्ड साइड के लिए हम निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। अब SFD कैलकुलेशन में एक हमने देखा था कि शियर फोर्स एट एंड पॉइंट्स विल बी जीरो। अब ये जो पॉइंट्स है वो किसके लिए चल रहा है, अपना सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड, समझ में आ रहा है, शियर फोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड के लिए चल रहा है। और एक पॉइंट इसमें रहेगा कि शियर फोर्स जो रहेगा वो लेफ्ट साइड में, दोनों भी आएंगे, पॉजिटिव शियर फोर्स भी रहेगा वो लेफ्ट साइड में आएगा और नेगेटिव शियर फोर्स रहेगा वो क्या आएगा, राइट साइड में आपका आएगा। कभी कभी ऐसा रहता है लोड अगर नहीं रहते हैं तो पॉजिटिव शियर फोर्स, अब ये जो है पॉजिटिव शियर फोर्स ही आता है, नेगेटिव आता ही नहीं है, ये पोर्शन आएगा भी नहीं, तो इसका मतलब ऐसा है कि आप ऐसा शियर फोर्स डायग्राम लेफ्ट भी आ सकती है और राइट भी आ सकती है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों शियर फोर्स डायग्राम आ सकती है, ऐसा आप बोल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी शियर फोर्स यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो रहती है और वो डायग्राम ऐसी ही रहेगी, देखो दिस टाइप ऑफ डायग्राम मैक्सिमम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कभी कभार सिर्फ नेगेटिव हो सकती है, सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है, पॉइंट लोड जैसा अप्लाई हो रहा है उस तरीके से। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो हमने कैलकुलेशन थर्ड जो स्टेप देखा था, हमने देखा था उसमें है बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट के कैलकुलेशन में सेक्शन बिल्कुल नहीं लेना है हमें, टू द पॉइंट बेंडिंग मोमेंट लेने हैं, एट पॉइंट, जो हर एक पॉइंट है जहां पे लोड अप्लाई हो रहा है वहां पॉइंट पे हमें बेंडिंग मोमेंट लेने हैं। बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें जो साइन कन्वेंशन यूज करने हैं उसके लिए सैगिंग और हॉगिंग का कंसेप्ट है, ये समझ में आ गया तो बेटर है, दिस इज स्माइली एंड दिस इज रोती सूरत, ठीक है। तो ये सैगिंग के लिए आपका ये ऐसा अगर रहता है तो, और दिस वन अगर होता है तो दिस इज कॉल्ड एज हॉगिंग। अब ये सैगिंग कब आता है कि जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट रहता है तो ये सैगिंग आता है, तो दिस विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और हॉगिंग कब होता है कि जब सॉरी दिस शुड बी एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब हॉगिंग कब होगा कि जब क्लॉकवाइज मूवमेंट है तब हॉगिंग का पोर्शन आता है, तो वो कितना, वो क्या लेते हैं, निगेटिव, ये हो गया बेंडिंग मूवमेंट। इसमें भी एक है कि बेंडिंग मूवमेंट एट द एंड पॉइंट्स विल बी जीरो, विल बी जीरो, लेकिन ये भी किसके लिए, सिर्फ सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड, पॉइंट लोड, और यहां पे आपको इंक्लाइंड लाइन से उसको जोड़ना है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन इससे जोड़ना है, यानी इसका मतलब ये डायग्राम रहेगा दिस टाइप जैसा भी रहेगा, ऐसा ऐसा आप कितने लोड होंगे उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है, तो कौन से लोड रहेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। और ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट रहेगा सिंपली सपोर्टेड के लिए, ये क्या आएगा, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट एट द एंड इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, और ये क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉइंट लोड के ऊपर का SFD और BMD, एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब इसके लिए UDL के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे उसमें UDL इसमें ऐड करेंगे।
नहीं तो एक और न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स लोड है और चार या पांच पॉइंट लोड रहेंगे, बीम का लेंथ ज़्यादा रहेगा। तो ये दोनों में से एक नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।